चैनल माइसा विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जैक टेक से। तो चैनल सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के हम करने वाले एक पीसी बिल्ड 10-15,000 रुपीज के बजट के अंदर। सो गाइस, ये कैसा बजट है जो सारे बजट गेमर्स पे एप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम सारे नए कंपोनेंट्स का यूज करके पीसी बिल्ड करने वाले हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कुछ नए कंपोनेंट्स और कुछ पुराने कंपोनेंट्स का यूज करके पीसी बिल्ड करने वाले हैं। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है, फर्स्ट पार्ट होने वाले है जिसमें हम सारे नए कंपोनेंट्स का यूज करने वाले हैं, जिसका मतलब आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे उन सब सिंपली क्लिक करके उनको बाय कर सकते हो। बट अगर आप सेकंड हैंड कंपोनेंट्स वाली वीडियो भी देख रहे हो तो आप टेंशन ना लो, उस पर भी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, मतलब आपको कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, जिससे आप उनको आराम से बाय कर सकते हो सेकंड हैंड। अगर आपको डिलीवरी करानी है तो वो भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज्यादा एडवाइस करते हुए। सभी कुछ दिन पहले मैं नैनो प्लेस गया था अपने एक पीसी बिल्ड करने, जिसका प्राइस होने वाला है 10-15,000 के अंदर। तो फिर मैं एक लोकल शॉप पे गया जहाँ पे मुझे उन्होंने प्राइसेस बताए, तो मेरे प्राइसेस थोड़े ठीक लगे नए कंपोनेंट के हिसाब से। तो फर्स्ट जो उन्होंने कंपोनेंट बताया वो हमारा प्रोसेसर था, जिसका नाम था i3 थर्ड जनरेशन, मतलब i3-3220, जो हमें पड़ रहा था 1800 रुपये का। उन्होंने 2000 बोला था, पर मैंने बार्गेनिंग करके उसे 1800 में कर लिया था। फिर जो नेक्स्ट कंपोनेंट था उसके लिए मदरबोर्ड, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीसी के लिए, तो वो मेरे को एक H61 मदरबोर्ड दे रहे थे ASUS की तरफ से आने वाले, जो मुझे पड़ रहा था करीब करीब 3000 का। तो उन्होंने कुछ भी उसमें पैसे बढ़ाए नहीं, ना कैसे कम करें, उनका यही मिलेगा, इसका कोई भी कम नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बोला रैम ऑप्शन आपको क्या चाहिए, तो एक 4GB की रैम पर स्टिक पड़ रही थी मुझे 1100 की, और एक 8GB की स्टिक पड़ रही थी मुझे 1800 की, दोनों DDR3 वेरियंट्स है, क्योंकि प्रोसेसर हमारा पुराना है तो उसमें मदरबोर्ड भी पुराने ही यूज़ हुआ, तो उसमें जो सपोर्टेड रैम्स थी वो DDR3 है जो 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक होगी। और वहीं फिर हमें नेक्स्ट ईयर मेरी स्टोरेज, तो स्टोरेज के लिए मैंने 500GB की WD Blue एक देखी, जिसके प्राइस मुझे पड़ रहा 1300 नहीं, बट वो मुझे लग नहीं आता कि वो हार्ड डिस्क नहीं है। तो आप जाओ तो आप ध्यान से जाओ, चेक करो फुल आपका कि हार्ड डिस्क नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो हार्ड डिस्क थोड़ी सी गंदी हो रही थी। फिर जो नेक्स्ट चीज़ लिए उन्होंने PSU मैंने यही अपने लोकल शॉप से लिया था, क्योंकि PSU कोई ऐसा मेजर मैं नया PSU ले नहीं रहा था, मतलब कोई ऐसा ब्रांडेड PSU ले नहीं रहा था, कोई चाइनीज का 450 वॉट्स का मेरे को PSU मिल गया था 500 रुपये का, तो मैंने उसे ही बाय कर लिया और अपनी यूज़ कर लिया। फिर आप मुझे क्वांटम की कैबिनेट मिली जो मुझे 900 रुपीज की पड़ रही थी, मैं सही हो रहा हूँ, तो उस कैबिनेट का जो लुक था वो काफ़ी अच्छा था नॉर्मल कैबिनेट से, और प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है अगर आप नॉर्मल कैबिनेट देखो, बट वो कैबिनेट अच्छे थे तो मैंने उसको ले लिया, और लुक्स भी उसके लिए काफ़ी एनहेंस कर दिए। उसमें कोई RGB वगैरह नहीं थी, बट हाँ उसका लुक डिसेंट था। तो वैसे ये सारे कॉम्प्लेक्स मैंने न्यू बाय करे थे, और ये जो मैंने शॉप थी वहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे थी नैनो प्लेस के अंदर, और इसका जो टोटल मुझे बजट पड़ा, मतलब टोटल प्राइस जो पड़ा मुझे 9370 रुपीज़ उसने बोला, बट कम करके कर आपको 9000 में शायद ये पीसी पड़ जाएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो कम करेंगे नहीं कम करेंगे। तो ये हमारा आज का पीसी कंप्लीट, मतलब अगर आपको पीसी चलाना है तो आप ऑन करो, पीसी आपका ऑन हो जाएगा। बट अभी हमें गेमिंग पीसी बनाया है तो हमें इसके लिए ग्राफिक्स कार्ड इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको गेमिंग करनी है। तो फिर अगर आप एक नए ग्राफिक्स कार्ड पे आते हो तो कम बजट की वजह से, या तो आप एक लोगे GT 710 या 730, जो कोई भी यूज़ नहीं होगा, आप ऐसा पीसी का फुल यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे, मतलब इस प्रोसेसर का भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे फुल, आपको CS:GO में 40-50 फ्रेम्स आएंगे, वैलोरेंट में 70-80 FPS आएंगे, तो वो कोई आपके लिए मज़ेदार गेम प्ले होने वाला है नहीं, तो 710 तो आप लो ही ना। फिर आपके आता है नेक्स्ट ऑप्शन GT 1030, जो मैं मानता हूँ थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, करीब करीब आपको 6500 का आपको वो मिलेगा, जो थोड़ा आपका आउट ऑफ बजट जा सकता है। फिर उसके बाद RX 550 वगैरह आपके आ जाएंगे ऑप्शंस नए में, तो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो जाएंगे, आपकी गेमिंग नहीं हो पाएगी। तो गाइस फिलहाल के लिए हमने इसमें ऐड कर लिया एक GT 1030, तो वो हमारा थोड़ा सा ओवर बजट जा रहा है, मतलब हमारा करीब करीब 50,500 के आसपास वो बजट को हमारे बढ़ा रहे हैं, बट कोई नहीं, हम उसे यूज़ कर लेते हैं। सो गाइस देख लेते हैं कैसे FPS आते हैं हमारे बेंचमार्किंग में, तो बेंचमार्किंग शुरू कर लेते हैं अब। Stable.